जय श्री श्याम दोस्तों, मैं सुनीता शर्मा स्वागत करती हूँ आपका न्यू आइडियल किचन में। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बिल्कुल यूनिक सी और बढ़िया सी रेसिपी, यानी कि एक स्ट्रीट फूड, और जिसे खाने के लिए हम बाहर बाजार में जाते हैं, बच्चे भी भागते हैं और बड़े भी। तो चलिए आज हम वही रेसिपी बनाते हैं और उस रेसिपी का नाम है चाउमीन। तो चलिए आज हम बनाते हैं वेज चाउमीन। चाउमीन बनाने के लिए हमने ये एक पैकेट चाउमीन ली है, ये हमने मार्केट से परचेज की है, और ये हाफ बॉयल चाउमीन होती है, इनको फुल बॉयल हमें करना पड़ता है। इसको हम खोल के और सबसे पहले इनको बॉयल करेंगे। ये देखिए, इसको हम थोड़ा सा अलग अलग कर लेते हैं और चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे हमने रखा था पानी गर्म होने के लिए एक बड़े पतीले में। पानी गर्म हो गया है, इसमें डालेंगे हम हल्का सा नमक, थोड़ा सा ऑयल, ताकि नूडल्स हमारी चिपके नहीं आपस में, और फिर इन दोनों चीजों को कर देंगे मिक्स। और अब इसमें डाल देंगे नूडल्स। हल्का सा हिला देंगे, जैसे ही नूडल्स पानी में जाएंगी उबलेंगी ये अपने आप अलग अलग हो जाएंगे। इसको ढककर हम पकने देते हैं, तब तक अपनी सब्जियां काट लेते हैं। चाउमीन नूडल्स, इनकी जो जान होती है वो होती है कैबेज, यानी कि ये पत्ता गोभी। एक हमने छोटे साइज की पत्ता गोभी ली है, जिसको छोटे छोटे पीसेस में हमने काट लिया है। तीन हमने ली है हरी मिर्च, उसको थोड़ी सी चटपटी और स्पाइसी बनाने के लिए। हमने ली है दो छोटे शिमला मिर्च, लंबी लंबी काट ली है। तीन मीडियम साइज के प्याज, इनको भी लंबा लंबा आकार में काट लिया है। और हमारे पास लाल शिमला मिर्च नहीं थी, इसलिए हमने टमाटर को लंबे लंबे पीसेस में ऐसे काट लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये नूडल्स हमारी बॉयल होके बिल्कुल तैयार हो गई। इसको हम चेक करेंगे, जैसे कि हम इसको ऐसे करके और ऐसे तोड़ रहे थे, टूट रही है, इट मींस ये उबल के बहुत अच्छी हो गई है। अब इसको हम किसी बर्तन में निचोड़ लेंगे, छान लेंगे। इसके ऊपर हम तुरंत ही डाल देंगे ठंडा पानी, ताकि ये ठंडी हो जाए और अलग अलग हो जाए। नूडल्स हमारी चिपके नहीं और खिली खिली रहे, इसके लिए हम इस पे थोड़ा सा ऑयल छिड़क के इसको अलग अलग कर देते हैं। तले की कढ़ाई ले ली है, अब इसको हम नॉन स्टिक बनाएंगे। नॉन स्टिक कैसे बनाएंगे, इसमें हम चारों तरफ से ऑयल लगा देंगे। ऑयल गर्म हो गया है, इसमें डाल देंगे हींग। एक चम्मच के करीब डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। लहसुन अदरक अच्छी तरह से पक चुके हैं, अब इसमें डाल देंगे कटी हुई प्याज। प्याज के साथ ही हम डाल देंगे शिमला मिर्च, और गोभी और टमाटर को हम बाद में डालेंगे, क्योंकि वो जल्दी पक जाती है। इसको हमने हल्का सोटे ही करना है, ज्यादा नहीं पकाना है। बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देते हैं। आंच को हमने तेज ही रखना है, मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमें इनको पकाना है, ज्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो सब्जियों का क्रंच जो है खत्म हो जाता है। अब इसमें डाल देंगे पत्ता गोभी। डालेंगे इसमें अपने मसाले, नमक डेढ़ चम्मच के करीब डालेंगे। नमक का मेजरमेंट अपने हिसाब से कर लेना, क्योंकि हमने बॉईल करते हुए भी डाल रखा है। एक चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च, चिली सॉस दो चम्मच के करीब, और ये थोड़ा सा डाल देंगे हम गरम मसाला।
सभी चीजों को कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स। यह हमारी हल्की सोटी हो गई है, अब इसमें डाल देंगे हम अपने बॉईल किए हुए नूडल्स। ऊपर से डालेंगे इसमें थोड़ी सोया सॉस, सोया सॉस हमने कम ही डालनी है क्योंकि ये बहुत ज्यादा तेज होती है। 2 चम्मच के करीब डाल देंगे टमाटो सॉस अच्छे स्वाद के लिए। थोड़ा हम डाल देंगे वाइट विनेगर, इसका भी स्वाद चाउमीन में बहुत अच्छा आता है। सभी चीजों को करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। गुलमन के हो गए तैयार, ऊपर से डाल देंगे हम ये अपने बारीक कटे हुए टमाटर और करते हैं इसको सर्व। ये देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे हमारे नूडल्स जो है बनके तैयार हुए हैं, बिल्कुल मार्केट से भी अच्छे। और इसमें सारी चीजें जो भी हैं घर की बनी हुई डली है। ये लीजिए फ्रेंड्स, ये झटपट हमारी चाउमीन बनके हो गए तैयार और ये मार्केट और ठेले वालों से भी बढ़िया बनी है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।